आज हम देख लेते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कार्ड डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कार्ड जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं बाई द मोटरन ऑफ फाइबर से जो अराइज होते हैं फ्रॉम द ब्रेन और डिसेंड होते हैं इन टू द स्पाइनल कार्ड ठीक है दिस ट्रैक जो है ये कैरी करते हैं मोटर इंपल्स को फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड डिसेंडिंग ट्रैक जो है टू टाइप्स के होते हैं एक पैरामिटल ट्रैक एंड द एक्स्ट्रा पैरामिटल ट्रैक ठीक है टू टाइप्स के होते हैं ये हम देख लेते हैं बॉक्स में कौन से ये ट्रैक्स जो हमारे पास लिस्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइन कार्ड पैरामेटल ट्रैक में दो हैं इंटीरियर गॉडिको स्पाइनल ट्रैक एंड लेटर गॉडिको स्पाइनल ट्रैक यानी पैरामीडल ट्रेक है और एक्स्ट्रा पैरामीडल ट्रैक जो है वो हमारे पास सेवन है कौन कौन से मीडियल लैंगटूनल फेसिकलस एंटीरियर वेस्टबलो स्पाइनल ट्रैक लेटरस वेस्टब्लू स्पाइनल ट्रैक रेटिक्लो स्पाइनल ट्रैक और टैक्टो स्पाइनल ट्रैक रोबो स्पाइनल ट्रैक और ओलिवो स्पाइनल ट्रैक ये सेवन जो हैं एक्स्ट्रा पैरामीडल ट्रैक हैं जो पैरामीडल ट्रैक हैं पैरामीडल ट्रैक जो हैं व द फर्स्ट ट्रैक टू बी फ़ोन इन ह्यूमन इन मेन और जो पेमािटल ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कार्ड जो है वो आ द डिसडिंग ट्रैक हैं वो कंसर्न कार्य है विद द वॉल्ट्री मोटर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी वॉलंट्री मोटर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी जिससे कंसर्न कार्य हैं दिस ट्रैक अदरवाइज नॉन एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक इनको बोलते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी ये दीज आर टू ट्रैक्स इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक एंड द लेटर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक वायल द रनिंग फ्राम द सैरबल कार्टेक्स टू वर्ड द कार्ड ये फाइबर जो है दिस फाइबर जो है टू ट्रैक गिव राइज द अपेरेंस ऑफ द पैरामिड्स इन दी अपर पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ द मेडुला लंगेटा में क्या करते हैं पैरामिड्स अपेरेंट्स देते हैं इसलिए इनको कहते हैं इनका नाम दिया गया पैरामिडल ट्रैक नव फाइबर्स ऑल ऑफ़ द नव फाइबर ऑफ द पैरामिडल ट्रैक जो है वो प्रेजेंट होती हैं सिंस बर्थ हवरिशन मेलिनेशन ऑफ दिस फाइबर जो है वो कंप्लीट होती है टू ईयर आफ्टर द बर्थ और पैरामिडल ट्रैक जो है ऑन ईच साइड हैव मोर देन मिलियंस फाइबर्स ठीक है सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द फाइबर जो होते हैं लार्ज मैगनेटरी फाइबर होते हैं और जिनका डायमीटर टू टू फोर टू ट्वेंटी टू माइक्रॉन होता है अच्छा लार्ज फाइबर ऑफ द पैरामेंटल ट्रैक हैव द टेंडेंसी टू डिसअपियर एट ओल्ड एज में डिसअपियर हो, uh, uh, हो रहे होते हैं सिंस दिस ट्रैक आर कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट द डिस्पेरेंस जब ये डिसअपियरेंस हो रही होती है इनकी ऑफ दिस ट्रैक ऑफ पैरामेडल ट्रैक काज ऑटोमेटिक शिवरिंग मोमेंट इन ओल्ड एज में मेमोरी होती शिवरिंग मोमेंट फाइबर ऑफ द पैरामीडल ट्रैक आर द एग्जान जो होती है ऑफ द मोटर निरान होते हैं uh, सबसे पहले हम इसके ओरिजिन देख लेते हैं फाइबर ऑफ द पैरामिटल ट्रैक जो है अराइज करते हैं फॉलोइंग सेल्स जॉइंट है आर पैरामिडल इन द प्री सेंट्रल ऑफ द मोटर काटेक्स प्री सेंट्रल गराया ऑफ द मोटर काटेक्स कैटेक्स काटेक्स में जो सिचुएटेड होते हैं ये जो ये दिस सेल जो सिचुएटेड होते हैं एरिया फोर में जो प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द फ्रंटल लोब है ठीक है और अदर मोटर काटेक्स जो है वो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे होते हैं प्री मोटर एरिया यानी एरिया फोर में सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में होते हैं और अदर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब में भी होते हैं और सोमैटो सु, सेंसरी एरिया ऑफ द प्राइटल रोम में भी प्रेजेंट होते हैं ये बिलीव किया जाता है कि थर्टी परसेंट ऑफ द पैरामेटल ट्रैक जो है राइज हो रहे होते हैं फ्रॉम प्राइमरी मोटर एरिया एरिया फोर से सुप्रमेंट्री मोटर एरिया एंड अदर जो है वो थर्टी परसेंट ऑफ द प्री मोटर एरिया से एरिया सिक्स से राइज हो रहे होते हैं और रिमेनिंग जो फोर्टी परसेंट है फाइबर वो राइज होते हैं सोमेटो सेंसरी एरिया से आल ऑफ द अबव फाइबर जो है फॉर्म कर रहे होते हैं फाइबर ऑफ द अपर मोटर न्यूरान ऑफ मोटर पाथवे का कोर्स इसका क्या है कोरोना रेडिएटा आफ्टर टेकिंग ऑरीजन जो नव फाइबर हैं वो रन करते हैं डोनवर्ड इन द डिफरेंट मैनर थ्रू द्विट मैटर ऑफ सैरबल हैमोस्फेयर में इन गनवर्ज इन द फॉर्म ऑफ फैन लाइक स्ट्रक्चर की तरह आ रहे होते हैं लांग विथ असेंडिंग फाइबर के साथ विच प्रोजेक्ट फ्राम द थेलमस टू साइबल काटेक्स फैन लाइक स्ट्रक्चर जो हैं काल द कोर्ना रेडिएटर ठीक है उसको कहते हैं कॉना रेडियटा दस कॉन रेडियटेंट बहुत असेंडिंग फाइबर भी होते हैं फ्राम हैं इन द दैरबल काटैक्स में ठीक है देन है इंटरनल कैप्सूल पासिंग द जब जैसे वो वहां से आते हैं ब्रेन स्टेम द ब्रेन स्टेम द स्टमार रेडियटा जो है कन्वर्ज इन टू फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल फॉर्म हो रहा होता है और ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द थेमस और क्यूडेट न्यूक्लियस जो है ऑन द मीडियल साइड और लेंटिकुलर न्यूक्लियस जो होता है लेटरल क्यूडेट न्यूक्लियस इनके मीडियल साइड पर होता है और लेंटिकुलर लेंटिकुलर न्यूक्लिस जो है

दीज द कम्पैक्ट मंडल ऑफ कॉटिक स्पेनल ट्रैक यहाँ पे गिव देता है पैरामि इन द सुपी इन इन द इंटीरियर सर्विस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ मेडूला ठीक है अपर पार्ट इंटीरियर सर्फिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ मेडूला में पैरामिड वेरियंस देता है गोटिको स्पेनल ट्रैक आर कॉल द पैरामिडिल ट्रैक ठीक है लोअर पार्ट ऑफ द जो मेडूला है पैरामि ट्रैक ऑन ईस्ट साइड जो है डिवाइड हो जाते हैं टू मंडल में साइज एटी परसेंट ऑफ़ द फाइबर जो है इस साइड जो है क्रॉस कर रहे होते हैं अपोजिट साइड से जो जो अदर जो क्रॉसिंग जो क्रॉस जो क्रास कर रहे होते हैं जो मिड लाइन को दिस फाइबर बोथ साइड फार्म कर रहे होते हैं पैरामेडियल पैरामेडलोसिएशन दिक, डेकोसोसिएशन फार्म कर रहे होते हैं इन स्पाइनल कार्ड में फाइबर ऑफ द क्रॉस जो होते हैं क्रॉस थी मिड लाइन जो क्रॉस करते हैं फार्म कर रहे होते हैं पैरामेडियल डिसोसिएशन डिकोशिएशन फॉर्म कर रहे होते हैं वो डिसेंड कर रहे होते हैं थ्रो द पोस्टियर पार्ट ऑफ लेटर व्हाइट कॉलम ऑफ द स्पाइन कार्ड पोस्टियर पार्ट ऑफ द लैटर व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइन कार्ड से और दिस बंडल जो है ऑफ क्रॉस फाइबर कार्ड क्रॉस पैर ट्रैक या लेटर कॉटिकल स्पाइन ट्रैक या इनडायरेक्ट कॉर्टिकल स्पाइन ट्रैक कहते हैं रिमेनिंग जो है हमारे पास ट्वेंटी परसेंट फाइबर जो डू नॉट क्रॉस कर रहे होते हैं अपोजिट साइड बट डिसेंड डिस थ्रू द इंटीरियर व्हाइट कॉलम से वो आ रहे होते हैं नीचे और ये फाइबर जो है अनक्रास फ़ाइबर होते हैं और इनको कहते हैं अनक्रास पैरामिडल ट्रैक और इंटीरियर कॉटिकोसाइन स्पाइनल ट्रैक आदर डायरेक्ट कॉटिकोसपाइनल ट्रैक भी कहते हैं दिस ट्रैक इज़ वेल मार्क इन द सर्वाइकल रीजन सिंस दिस फाइबर अब दिस ट्रैक जो है टर्मिनेट होते हैं डिफरेंट सेगमेंट लेवल पे और दिस ट्रैक यूजली गेट थिनर वाइल डिसेंडिंग थ्रू द सक्सेसिव सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल थिनर होते जाते हैं फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है एब्सेंट मोस्टली इन बिलो द थ्रेसि लेवल में बहुत कम हो जाते हैं इनके बिफोर टर्मिनेशन मेजॉरिटी ऑफ दाइनल ट्रैक जो है वो क्रास कर रहे होते हैं अपोजिट साइड पर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ स्पाइनल ठीक है देन है टर्मिनेशन ऑल द फाइबर ऑफ द टर्मिनल ट्रैक जो है बहुत क्रास नॉन क्रास फाइबर जो है टर्मिनेट होते हैं इन द मोटर यून ऑफ एंटीरियर ग्रेहान में ठीक है आइदर डायरेक्ट थ्रू द इंटर न्यूक् इंटर न्यूक्लियर न्यूरान के जरिए पैरामीटर जो फाइबर हैं वो टर्मिनेट होते हैं ऑन द एल्फा मोटर न्यूरॉन एंड बीटा मोटर न्यूरॉन पे और एग्जान ऑफ द मोटर न्यूरॉन जो है वो लीव कर रही होती है स्पाइनल कार्ड में एज अ स्पाइनल नव थ्रो द इंटीरियर नव रूट से सप्लाई करती है स्केल्टर मसल पर और जो नव जो ओरिजन हो रही होती है फ्रॉम द फाइबर ऑफ पैरामिडल ट्रैक में उनको उसको कहते हैं अपर मोटर न्यूरान और इंटीरियर मोटर जो इंटीरियर मोटर न्यूरान इन द स्पाइनल कार्ड वो कहते हैं उसको कहते हैं लोअर मोटर न्यूरान ठीक है फंक्शन uh, क्या है फंक्शन ऑफ़ द डिस्ट्रैक्ट पैरामेडल ट्रैक जो है कंसर्न कर रहा होता है वॉलेंट्री मोमेंट ऑफ द बॉडी के लिए और फाइबर ऑफ द पैरामिडल ट्रैक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को फ्रॉम द मोटर एरिया ऑफ द सर्बल कार्टेक्स टू द इंटीरियर मोटर न्यूरान ऑफ द स्पाइनल कार्ड में ठीक है दीज टू ट्रैक जो है रिस्पांसिबल होते हैं फाइन स्किल्ड मूवमेंट के लिए अफेक्ट ऑफ लियन जो है वो क्या करता है लियन ऑफ द मोटर मोटर काटैक्स न्यूरान ऑफ द मोटर काटैक्स इन फाइबर ऑफ द पैरामेडल ट्रैक जिनको अपर मोटर न्यूरान लियन कहते हैं इन ह्यूमन मीन प्योर पैरामेडल ट्रैक जो लियन डज नॉट अकर हो रही होती है द लिन ऑफ द पैरामेटल फाइबर अकर हो रही होती है मोस्टली इन कॉमनली कहाँ कब सर्व एक् एक्सीडेंट में यानी स्ट्रोक में क्योंकि हमरे या तो वह, वहाँ वहाँ पर हमरेज हो रहा होता है या फिर थ्रोम्बोसिस बन रहा होता है इसकी वजह से ड्यूरिंग सच लियन मेनी एक्स्ट्रा जो पैरामेडल ट्रैक हैं डैमेज हो Because the, in this region, अपर मोटर कहते, अपर मोटर कहते। uh, कुछ होते हैंट्री मूवमेंट वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी वेरी मच इफेक्टेड हो रही होती है इनिशियली दिस इज लॉस ऑफ वॉलंट्री मूवमेंट इन द एक्सट्रीमिटी और लेटर इट इन्वॉल्व अदर पार्ट लाइक जैसे हिप है शोल्डर है उनको भी इन्वाल्व कर लेते हैं देन है टोन टोन जो होती है मोटर टोन इज इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से स्पाटिसिटी होती है मसल जो है वो आल्सो पैरइज होंगे दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस जो है मसल्स की उनको उसको कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस और स्पास्टिसिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ इनहेबिट्री एम्पल्स फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन जो पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा पैराम ट्रैक से रीच कर रहे होते हैं गेमा मोटर न्यूरॉन से इन द स्पाइनल कॉर्ड में हवर जो हाइपोटोनिया है वो अकर हो रहा होता है इन प्योर पैरामिडल ट्रैक लियन में विच इज़ वेरी रेयर

और इसके साथ जो है एफेक्ट ऑफ अगर डिफरेंट लेवल पर जो अगर लियन है जैसे साइरबल काटैक्स में है अगर लियन तो लियन ऑफ द पैरामिटल ट्रैक इन द सारबल काटैक्स का वो उसकी वजह से क्या होता है हाइपरटोनिया हो जाएगा फास्टिटी होगा कंट्रा लैटर मोनो फ्लैजिया मोनोफ्लैजियान के पहल, एक लिम की पैरालिसिस होगी कंट्रा लैटर हेमोप्लेजिया हो सकता है पैरलिस ऑन द वन साइड और अगर इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व है तो लियन जो होगा ऑफ द पैरामिटल ट्रैक द तो लिम ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में होगा उससे क्या होता है कंट्रा हेमिप्लेजिया हो जाएगा अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हुआ है तो द लियन ऑफ द ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व ना डालने पैरामिटल ट्रैक फाइबर को इन्वॉल्व कर रहा होता है बल्कि इसमें क्या होता है क्रेनियन नाव न्यूक्लाइज जो है सिक्स और सेवन के वो भी वो भी उसमें प्रॉब्लम उनमें भी जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं सो द लियन ऑफ रिजल्ट इन कंट्रा लेटरल जो है हेमीप्रेसिस हो जाएगा इसमें जो है वीकनेस होगी मसल इन वन साइड ऑफ द बॉडी एलॉग विद द जो हमारी सिक्स और सेवन क्रेन ला हुआ है उनमें पालसी हो जाएगी देन है स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कार्ड यूनी लेटल लियन ऑफ दैटर कॉडी को स्पाइनल ट्रैक एट है अपर सर्वाइकल सेगमेंट में हो तो उससे क्या होगा एपसी लेटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा एंड द बाइलेटरल लियन से कॉर्डिपलेजिया हो जाता है क्योंकि पैरालिसिस पैरालसा फाल फोर लिम पैरालिसिस ऑफ द रिस्पायरेटी मसल्स भी हो जाएंगी अगर बायलेटल लियन है दिस फाइबर इन द थोरेसिक या लंबर सेगमेंट में इन इन, इन, इन उसकी वजह से पैराप्लेजिया होगा बोथ लोअर लिम पैरालिसिस ऑफ द रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस नहीं होंगी ये हमारे पास है पैरामिडल ट्रैक इनकी जो है हम देख लेते हैं इमेज पैरामीटल ट्रैक ये हैं ये सेंसरी एरिया थ्री टू वन से आ रहा है प्री मोटर एरिया सिक्स से प्राइमरी मोटर एरिया एंड द सप्लीमेंट्री मोटर एरिया वहाँ से फाइबर आ रहे हैं यहाँ पे जो है इंटरनल कैप्सूल से होते हुए मिड ब्रेन से होते हुए पॉन्स से होते हुए यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं मेडुला में मेडुला में जो है यहाँ पे वो कुछ फाइबर जो है क्रॉस कर रहे हैं और कुछ जो है नाइटी परसेंट जो है क्रॉस कर रहे हैं आप देख लो तो जो क्रॉस कर रहे हैं वो क्या करते हैं लेटर कोटी को ट्रैक बनाते हैं और जो क्रास नहीं करते वो इंटीरियर को स्पाइनल ट्रैक नारे ठीक है यहाँ पे ठीक है ये हमारे पास पैरामेडल ट्रैक्स है देन हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक जो है डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कार्ड अदर देन द पैरामेडल ट्रैक से जो अदर होते हैं उनको कहते हैं एक्स्ट्रा पैरामेडल ट्रैक एक्स्ट्रा पैरामेडल ट्रैक जो है वो कौन से हैं वो देख लेते हैं हम सबसे पहले हमारे पास मीडियल लंग फेसिकुलस ये सिचुएटेड होता है मीडियल लंग डिसेंट सिचुएशन इसकी क्या है मीडल लंग फेसिकुलस डिसेंट थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ठीक है एंटीड व्हाइट कार्ड और कलमार्क स्पाइन कार्ड और इसकी ओरिजिन है एक्चुअली दिस दिसक इज द एक्सटेंशन ऑफ मीडियल लंग टूनल फेसिकुलस ऑफ ब्रेन की एक्सटेंशन है ब्रेन uh, स्टेम की एक्सटेंशन है फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है वो ओरिजिन करे होते हैं फोर डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम से एक है वेस्टेबुलर न्यूक्स से रेटिकुलर फॉर्मेशन से सुपीरियर कल्कस से uh, और इंटर इंडस्ट्रील सेल ऑफ द कालजा ठीक है से ओरिजिन करते हैं और इसका कोर्स किया आफ्टर आफ्टर इंटरिंग द स्पाइन कार्ड फ्राम ब्रेन स्टेम दीज फाइबर जो है फाइबर ऑफ द मीडियल लंग फेसिकलस डिसेंड कार्य होते हैं थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द सेम साइड इन द स्पाइनल कार्ड दिस ट्रैक इज वेल डिफाइन ऑन दी अपर सर्वाइकल सेगमेंट बिलो लेवल दिस फाइबर जो है रन हो रहे होते ऑफ अलॉन्ग विदीरियर स्पाइनल ट्रैक के साथ और दिस फाइबर जो है एक्सटेंड अप टू अपर सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड तक एक्सटेंड करते हैं और टर्मिनेशन दिस फाइबर ऑफ द ट्रैक टर्मिनेट होते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कार्ड अलॉग विद द फाइबर ऑफ एंटीरियर वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक आइदर डायरेक्टली थ्रू द इंटर इंटरन्यूक्र इंटर न्यूरॉन के जरिए और इसका फंक्शन क्या है इसका मीडियल जो फे, लंग ट है हेल्प कर रहा होता है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स अकुलर मूवमेंट के साथ इन इन इंटीग्रेशन ऑफ द दुलर इन नेक मूवमेंट एफेक्ट ऑफ लियन रिफ्लेक्स अकुलर मोमेंट जो है और रिफ्लेक्स नक मोमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही होती है इसलिए इस अगर लियन हो जाए इस ट्रैक का तो देरियरियर वेस्टेबलो स्पाइनल ट्रैक व्हाइट कलम में अलॉग विद पेरीफ्री ऑफ स्पाइनल कार्ड लेटर टूट द टेक्टो स्पाइनल ट्रैक की लेटर होगा और ओरिजन कहाँ से करता है औरिजन द फाइबर ऑफ दिस स्ट्रैक आइज़ हो रहे होते हैं फ्रॉम द मीडियल वैसेबलो निकलस इन द मेडिल ऑफ में इनफैक्ट जो इंटीरियर वेस्टेबलो स्पाइनल ट्रैक है इज एक्सटेंशन होती है मीडियल अन वेस्कुलस की मोस्ट ऑफ द फाइबर जो है वो होते हैं और इसकी एक्सटेंड कहाँ पे है दिस फाइबर जो है रन हो रहे होते हैं अप टू द थ्रेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड फाइबर जो कोर्स है इसका द फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है रन डाउनवर्ड टू दू फार मेड्यूला इनटू द इनटू द एंटीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइन कार्ड अलॉन्ग दि अलॉन्ग पेरीफ्री ऑल द फाइबर जो है अनक्रॉस्ड होंगे ठीक है टर्मिनेशन uh, जो है ये कहाँ पर टर्मिनेट करता है विद द फाइबर ऑफ द लेटर वेस्टिबुलर डब्लू स्पाइनल ट्रैक दिस फाइबर जो है ऑफ दिस ट्रैक टर्मिनेट होते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन पे डायरेक्टली थ्रो या फिर थ्रू द इंटर न्यूरान न्यूरल न्यूरॉन के जरिए फंक्शन uh, क्या है फंक्शन ऑफ दिस ट्रैक जो है uh, जो सेम होता है जो इसके लेटर वेस्टेबलो स्पाइनल ट्रैक का होता है हम लेटर वेस्टबलो स्पाइनल ट्रैक देख लेते हैं uh, जो है उसमें क्या होता है ये सिचुएटेड होता है लेटरल वेस्टेबलो ट्रैक को उपाय करा होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का और ये ओरिजिन करता है इसके ओरिजिन जो इसके फाइबर जो है वो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं फाइबर जो ओरिजिन ओरिजिन कर रहे होते हैं फ्रॉम द लेटर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला से और दिस फाइबर जो है आल्सो सो द डायटर न्यूक्लियस भी कहते हैं इसको द न्यूक्लियस भी कहते हैं और एक्सटेंड दिस फाइबर ऑफ द ट्रैक इज प्रेजेंट थ्रो द स्पाइनल कार्ड और कोर्स इसका क्या है फ्राम द डायटर न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द फाइबर जो है डिसेंड हो रहे होते हैं डायरेक्टली थ्रू द लेटर कॉलम में ठीक है और फ्यू फाइबर जो है क्रॉस हो रहे होते हैं टू द अपोजिट साइड बिफोर डिसेंडिंग टर्मिनेशन फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है टर्मिनेट होते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरान पे और आइर डायरेक्टली या फिर वाया इंटर न्यूर न्यूरान के जरिए भी क्या होते हैं टर्मिनेट हो रहे होते हैं uh, इसका फंक्शन क्या है वेस्टिबुलर uh, जो है न्यूकलॉर रिसीव कर रहा होता है इम्पल्स फ्राम द कंसर्न विद जो कंसर्न कर रहा होता है विद द मोटर न्यूर उसे मसल ट्यून पॉस्चर फ्राम द वेस्टुलर ऑपरेटर्स द दाइडन सही है का में निकलाइ जो है इन टर्न कन्वे करा रहा होता है इंपल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बाड़ी इट इंटीरियर इंटीरियर लेटर वेस्टेबल इज डी ठीक है वेस्टिबुलर निक्लाई जो है वो क्या कर रहा होता है इंपल्स ले रहा होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द इंटीरियर या फिर जो लेटर वेस्टिबुलर ट्रैक है उसके जरिए वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्स जो है वो कंसर्न कार्य होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी हेड और बॉडी की पोजिशन ड्यूरिंग दी एंगुलर और लीनियर एक्सीशन के दौरान जो है वो एडजस्टमेंट कार्य होते हैं और लियन आ, इनका इफेक्ट क्या होता है अगर लियन हो जाए तो एडजस्टमेंट ऑफ द हेड एंड बॉडी जो है बिकम डिफिकल्ट ड्यूरिंग द एक्सीेशन वन द वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगे लियन में बहुत जो है हमारे पास इंटीरियर और लैटर पैनल ट्रैक जो है अगर लियन होंगी तो वो डिफिकल्ट होगा ड्यूरिंग हेड और बॉडी को खरजेस्ट में ड्यूरिंग मोमेंट uh, में एक्सलेशन में ठीक है देन है हमारे पास नेक्स्ट जो है रेटिक्लसपाइनल ट्रैक सिचुएटेड होता है दिस ट्रैक इन द इंटीरियर वाइट कलर में और पोस्टिक टू द इंटीरियर वेस्टब्लस स्पाइनल ट्रैक है एंटीरियर पोस्टीरियर होता है एंटीरियर वेस्टिकुलर ट्रैक के और ओरिजिन से कहा है फाइबर ऑफ दिस ट्रैक अराइज हो रहा होते हैं रेडिकुलर फार्मेशन ऑफ द पोन एन मेडूला से और पोन रेडिकुलर फाइबर आर जो है अनक्रास्ड होते हैं डायरेक्ट डिसेंड हो रहे होते हैं मिडिल पार्ट ऑफ एंटीरियर कॉलम में और फाइबर जो होते हैं मेडुलररी जो मेडूला से रेडिकुलर फॉर्मेशन से आ रहे होते हैं वो आर प्रोडोमिनेटली अनक्रास होते हैं और आनली कुछ फाइबर जो है वो क्रास हो रहे होते हैं दिस फाइबर डिसेंड हो रहे होते हैं लेटर पार्ट ऑफ द एंटीरियर कॉलम में और एंड सम एक्सटेंडेड इंटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटर कॉलम में भी होते हैं ठीक है हाँ uh, एक्सटेंड इसका क्या है एक्सटेंड फाइबर ऑफ द रेटिकुलर ट्रैक जो है वो एक्सटेंड हो रहे होते हैं अप टू द uh, अप टू द थ्रेसिक सेगमेंट तक और टर्मिनेशन फाइबर ऑफ द रेटिकुलर ट्रैक जो है वो टर्मिनेट होते हैं गेम मोटर न्यूरान ऑफ द एंटीरियर ग्रे हान पे थ्रू द इंटर न्यूरो नर्व के जरिए फंक्शन रेटिकुलर ट्रैक जो है कंसर्न कर रहा होता है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एंड मेंटेन कर रहा होता है मूवमेंट टोन को रिस्पायरेशन एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को पोंटाइन एंड रेटिकुलर फाइबर जो है वो अपोजिट इफेक्ट कर रहे होते हैं ऑन दिस फंक्शन पे जो हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पोंटाइन एंड द मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स सबसे पहले जो फंक्शन है इसकी कंट्रोल करता है वोन्ेंट्री एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट तो पोटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन फैसिलिटेट कर रहा होता है मेडलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन इनहिबिट कर रहा होता है इनकी ये मूवमेंट को और जब मसल मसल की जो टोन है थ्रू द मोटर न्यूरान को अगर कंट्रोल हो तो ये पोटाइन फाइबर जो है फैसिलिटेट कर रहे होते हैं मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन जो फाइबर है वो क्या करते हैं इनहिबिट कर रहे होते हैं रिस्पायरेशन में ये क्या करते हैं फेवर रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं एक्सपायरेशन हो ताकि और ये कहते हैं फेवर इंस्पायरेशन हो और ब्लड वेसल्स में ये क्या करते हैं पॉन्टाइन रेडिकुलर फाइबर जो है वो वह जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं रेडुलर रेडिकुलर फाइबर जो है वह जो डायलेशन करवा रहे होते हैं ठीक है एफेक्ट ऑफ लियन जो है रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक जो है वो काज कर रहे होते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ द दिस्पायरेशन अगर लियन हो जाए तो ब्लड प्रेशर में डिस्टर्बेंस है मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन द टोन में डिस्टर्बेंस हो जाती है देन है टैक्टो स्पाइनल ट्रैक टेक्टो स्पाइनल ट्रैक जो है वो सिचुएटेड होता है एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कारम में ओरिजिन ये फाइबर जो है राइज हो रहे होते हैं स्पीरियल कैलकस द कॉलिकस ऑफ द मिड ब्रेन से ठीक है और ये एक्सटेंड होते हैं अप टू द लोअर सर्वाइकल सेगमेंट में कोर्स uh, जो है आफ्टर टेकिंग द कोर्स ऑफ द स्पीरियर कॉलिकस दीज फाइबर जो है क्रॉस कर रहे होते हैं मिड लाइन में इन द डार्सल टेगमेंटलोसिएशन और डिसेंट हो रहे होते हैं एंटीरियर व्हाइट एंटीयर कॉलम में ठीक है फाइबर जो है रिटेक्टो स्पाइनल ट्रैक की वो टर्मिनेशन कहाँ होती है इनकी इन द मोटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड में डायरेक्ट या फिर डायरेक्टली हो रहे होते हैं या फिर इंटरन्यूरल न्यूरान के जरिए लिए होते हैं फंक्शन इसका क्या है डायर स्पाइनल ट्रैक जो है वो रिस्पांसिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ द हेड इन रिस्पांस टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस की ठीक है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं देन है रूबो स्पाइनल ट्रैक जो है स्पाइनल ट्रैक जो सिचुएटेड होता है इन द लेटर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कार्ड में ओरिजिन इसकी क्या है ओरिजिन ऑफ फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है राइज हो रहे हैं फ्रॉम लार्ज सेल जो सेल है न्यूक्लियस uh, है मैंगरस और रेड न्यूक्लियस इन द लार्ज सेल जो है मैगोसेल ऑफ द रेड न्यूक्लियस ऑफ दिडन से और ये एक्सटेंड होते हैं नव फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है अपियर हो रहे हैं इन स्पाइनल कार्ड आनली अपर थ्रेसिक सेगमेंट तक सिर्फ रहते हैं और इसके कोर्स क्या आफ्टर अराइजिंग फ्राम द रेड न्यूक् <laughs> न्यूक्लियस से दिस फाइबर जो है क्रास कर होते हैं मिडलाइन इन दर्टिकल टेगमेंटल डिसोसिएशन को एंड डिसेंड होते हैं इन टू द स्पाइनल कार्ड में थ्रू रेटिकुलर फार्मेशन ऑफ द पोन एंड मेडिकुला ठीक है टर्मिनेशन इसकी क्या है फाइबर ऑफ द रिवर ट्रैक जो है एंड हो रहे होते हैं इन द इंटीरियर मोटर मोटर न्यूरान ऑफ द स्पाइनल कार्ड में वाया इंटर न्यूरॉन्स के जरिए और फंक्शन इसका क्या रूबो स्पाइन ट्रैक जो है एग्जिसबिट द इन्फ्लुएंस अपान द फ्लेक्सर जो मसल टोन है उन पर उनमें क्या कर रही होती है इन्फ्लुएंस कर रही होती है देखना ओलि स्पाइनल ट्रैक ओलि स्पाइनल ट्रैक जो है स्टेटर स्पाइनल ट्रैक जो प्रेजेंट होता है लाइट वाइट वाइट कलम ऑफ द स्पाइनल ट्रैक में ये ओरिजिन कहाँ से कहता है इन द नव फाइबर ऑफ द ओलिवो स्पाइनल ट्रैक जो है वो टेक ओरिजन कार्य होते हैं फ्राम द इनफीरियर ऑलि न्यूकलस विच इज प्रेजेंट इ मेडियो एवलंगेटा में और टर्मिनेशन फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है टर्मिनेट हो रहे होते हैं इन द इंटीरियर मोटर न्यूरान ऑफ द स्पाइनल कार्ड में फंशन के फंक्शन ऑफ द ओलि स्पाइनल ट्रैक जो है इज़ नॉट नॉट क्लियरली बट बिलीव किया जाता है कि यह रिफ्लेक्स मोमेंट जो अराइजिंग हो रही होती है फ्राम प्रॉपर से उनमें ये प्ले कर रहा होता है इंपॉर्टेंट रोल अच्छा सबसे पहले हमारे पास जो है पैरामिडल ट्रैक से पैरामिडल ट्रैक में इंटीरियर कॉटिकोसमानी ट्रैक है जो सिचुएटेड होता है एंटीरियर वाइट कॉलम में बेड सेल्स एंड अदर सेल्स ऑफ द मोटर एरिया से ओरिजिनेट करता है और इसका कोर्स जो है अनक्रास्ड होते फाइबर होते हैं इसकी और लेटर स्कॉटिकोसमानी ट्रैक जो है ये लेटर वाइट कॉलम में इसमें सिचुएटेड होता है और बेड सेल्स एंड अदर एरिया ऑफ द जो मोटर एरिया है वहाँ से ओरिजिन करता है और ये क्रॉस फाइबर होते हैं इन दोनों के फंक्शन जो है वो क्या है फंगे कंट्रोल कार्य होते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट को और फार्म कार्य होते हैं अपर मोटर न्यूरान को जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ट्रैक उसमें सबसे पहला है मीडियल लंग फेसिकल्स मीडियल लंग फेसिकल्स जो है वो इंटीरियर वाइट कलम में स्टेटेड होता है इसका ओरिजिन जो है वेस्टेबुलर न्यूक्लियस से रेटिकुलर फॉर्मेशन से और द सेल ऑफ जैल से अनुसूजन करता है और अनक्रास फाइबर होते हैं जो एक्सटेंड हो रहे होते हैं आप, तो आप, आप पर सर्वाइकल सेगमेंट तक जो है वो जाते हैं और इसका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ द सर्कुलर मूवमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेक एंड आई देन सेकंड जो है इंटीरियर वेस्टब्लू स्पाइनल ट्रैक है ये जो है इंटीरियर व्हाइट कॉलम में सिचुएटेड होता है और मीडियल वेस्टब्लो न्यूक्लियस में ओरिजिन करता है अनक्रास फाइबर जो है वो ये काम होते हैं इसके और ये एक्सटेंड करता है आप टू तो द सिक्स सेगमेंट पे और मेंटेन ये क्या करता है और इसके साथ जो है हमारे पास एक और जो है ट्रैक होता है लेटर वेस्टेबलू स्पाइनल ट्रैक ये जो है लेटर व्हाइट कॉलम में सिचुएटेड होता है ये लेटर वेस्टब्लो न्यूक्लियस से ओरिजिन करता है और ये मोस्टली अनक्रास फाइबर होते हैं और एक्सटेंड होते हैं आग सेगमेंट में और इन दोनों का इंटीरियर इंटीरियर और जो एंटीरियर रोड लेटर वेस्ट स्पाइनल ट्रैक हैं इन दोनों के जो फंक्शन है वो सेम है ये क्या कर रहे होते हैं मेंटेन कर रहे होते पास्टर टोन को और पॉस्चर को मसल uh, टोन को और पास्चर को और मेनटे करतेजिशन ऑफ द हेड एंड बॉडी ड्यूरिंग द एस्ट्रेसन देन है रोबोस फाइनल ट्रैक रेड ट्रैक जो है लेटर uh, लेटर व्हाइट फेनिकलस से जो है वो ये स्टेटेड होता है रेडिकुलर फॉर्मेशन अपोन और मेडुला से क्या कर रहा होता है ये ओरिजिन करता है मोस्टली अनक्रास होते हैं इसमें फाइबर और एक्सटेंड कर रहा होता है आप थ्रेसिक सेगमेंट तक ये क्या करता है काम ये से पहला जो है कॉर्डिनेशन को, को, अवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स मूवमेंट करवा रहा होता है कंट्रोल कर रहा होता है मसल टोन को कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन इन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स को ठीक हो गया देन है हमारे पास टेक् टेक्टोस्पाइनल ट्रैक जो है एंटीरियर वाइट कलर में ओरिजिन का स्ट्रेटेड होता है और ये ओरिजिन करता है सुपीरियर कलकस से इसके फाइबर जो है क्रॉस हो रहे होते हैं और एक्सटेंड हो रहे होते हैं टू द लोअर सर्वाइकल से सेगमेंट तक कंट्रोल कर रहे है होते हैं मूवमेंट ऑफ द हेड इन रिस्पांस टू विजुअल एंड ऑडिटरी इंपल्स के रिस्पांस में कर रहे है होते हैं और देन है हमारे पास रिबर्स स्पाइनल ट्रैक रूबर्स स्पाइनल ट्रैक जो है लेटरल वाइट कॉलम में स्ट्रेटेड होता है और रेड न्यूक्लियस से ओरिजिन कर रहा होता है क्रॉस फाइबर जो है एक्सटेंड हो रहे होते हैं आप टू द थ्रेसी सेगमेंट तक और फैसिलिटेटरी जो इन्फ्लुएंस हो रहा होता है ऑन द फ्लैक्र न्यूरान पर फैसिलेटरी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं फ्लेक्जर मोटर मसल टोन पे दे हमारे पास ऑलरेडी स्पाइनल ट्रैक ये लेटर वाइट कलर में होता है ये ये ओरिजिन कहाँ से करता है इन्फीरियर ऑलरेडी नेकलेस से मोस्टली क्लास हो रहे होते हैं एक्सटेंड इसका नॉट क्लियर है और ये कंट्रोल कर रहा होता है मूवमेंट ड्यू टू तो प्रोपिसप्शन से जो मूवमेंट हो रही होती है उसकी वजह से तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है ये हमारे पास जो है डिसेंडिंग स्पाइनल ट्रैक्स है